जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यूपी के महोबा जिले से एक अजब गजब मामला सामने आया है। यहां घर में सो रहे एक बच्चे को अचानक ऊपर छप्पर से गिरे सांप ने काट लिया। बच्चे के चीखने पर भागे दौड़े आए पिता ने सांप को मारकर एक पॉलिथीन में बंद कर दिया। इसके बाद पिता बच्चे को सांप सहित लेकर अस्पताल पहुंच गया। पिता अस्पताल पहुंचा तो पॉलिथीन में सांप देखकर स्वास्थ्य कर्मियों में डर के मारे हड़कंप मच गया। डॉक्टर ने पिता से पूछा कि ये सांप क्यों लाए हो, तो पिता ने कहा ताकि डॉक्टर सांप देखकर उसके बेटे का सही इलाज कर सके। महोबा जिला अंतर्गत केवड़ी गांव है। यहां के अमर सिंह का बेटा घर में पड़े छप्पर के नीचे सो रहा था, तभी अचानक ऊपर से गिरे एक सांप ने काट लिया। अस्पताल में बेटे का इलाज जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर है, बाकी 24 घंटे बाद ही कुछ पक्का कहा जा सकेगा। इस घटना के बारे में बच्चे के पिता अमर सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। अमर सिंह, कहाँ के निवासी हैं आप? केवड़ी। भाई, घर में बच्चा सो रहा था, कच्चे मकान में, ऊपर छप्पर से सीट ऊपर गिरा, उसको काट लिया तो चिल्लाया, हम दौड़ के गए तो सांप को मार के बच्चे को जूते पर लगा के अस्पताल ले आए। अस्पताल में भर्ती करवा दिया। सांप का कुछ नहीं, फिर यही देख पाया डॉक्टर साहब ने कहा कि बाहर। अच्छा, डॉक्टर ने बताया किस प्रकार का सांप है, कैसा है, क्या है? हाँ, ये नहीं बताया, कह रहे बात फिर वो कह रहे हैं कि वो करायत है। अच्छा, कि कौन सा करायत? अच्छा, अभी हालत कैसी है बच्चे की? बच्चे की अभी बोतल चढ़ रही है, सही है, कह रहे 24 घंटे बाद, 24 घंटे नहीं जाना। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।